चीनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। चीनिया बीडीओ व सीओ ने विद्यालय में मिड डे मील का किया जांच, कई बूथ का भी किया निरीक्षण। चीनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी सुबोध कुमार व अंचलाधिकारी उमेश्वर यादव चीनिया प्रखंड के खुरी गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में मिड डे मील जांच की, जहां बच्चों को मिलने वाले खाने में संतोषजनक स्थिति पाई गई, जहां मेनू के अनुसार बच्चों को खाना मिलता हुआ देखा गया। इस तरह विद्यालय में सभी तरह की जाँच की गयी, जहाँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार ने जाँच में पूरा सहयोग किया। इस दौरान बीडीओ व अंचलाधिकारी ने प्रखंड के मसरा, विलैती, खैर, खुरी सहित अनेक गांव में विद्यालय में पहुंचकर कई बूथ का भी निरीक्षण किया। बताते चले कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस कड़ी में प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायत के मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन बीडीओ व सीओ के द्वारा किया गया। बीडीओ सुबोध कुमार ने बताया कि मतदान केंद्रों के भवन की स्थिति व वहाँ मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता है या नहीं, इसका जायजा लिया गया है। निरीक्षण के क्रम में दर्जन भर बूथों का भौतिक सत्यापन किया गया। साथ ही कहा कि विभाग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों पर बिजली, शुद्ध पेयजल, शौचालय व रैंप जैसी तमाम सुविधाओं का जायजा लिया गया है। इसके साथ ही वैसे मतदान केंद्रों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां का भवन जर्जर है या मूलभूत सुविधा से वंचित है, वहां हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इस मौके पर से विनोद कुमार गुप्ता, ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार, ASI भवन टुडू सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। चीनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। भाजपा पंचायत अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ झामुमो में हुए शामिल। चीनिया प्रखंड के हेताड़ कला पंचायत के भाजपा पंचायत अध्यक्ष शांतदेव सिंह ने अपने कई समर्थकों के साथ शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है, जिन्हें मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पार्टी का माला पहनाकर भव्य तरीके से स्वागत किया। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा चीनिया प्रखंड अध्यक्ष अरविंद यादव ने शांतदेव सिंह व उनके साथ आए सभी कार्यकर्ताओं को मुंह मीठा कराकर पार्टी में स्वागत किया है। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि हमारे द्वारा इन 5 वर्षों में किए गए विकास कार्य को देखकर लगातार भाजपा पार्टी सहित अन्य दलों को छोड़ हजारों की संख्या में लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बढ़ते जनाधार को देखते हुए विपक्षी पार्टियां चारों खाने चित हो गई हैं। उनके पास चुनाव लड़ने के लिए अब कोई भी मुद्दा नहीं है, कारण कि हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में हर तरफ सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था की है। हमारे द्वारा की गई विकास समाज के अंतिम लोगों तक पहुंचा है, जिससे प्रभावित होकर आज भाजपा के पंचायत अध्यक्ष शांतदेव सिंह अपने समर्थक के साथ भाजपा को छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिए हैं, जिनका पार्टी में स्वागत है। इस मौके पर अरविंद यादव, मोहम्मद फारूक, नासिर मंसूरी, रामनाथ तुरी, दादून सिंह, संजय सिंह, भोला यादव, राजेश यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। धन्यवाद।